सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शरीर चाहे कितना भी खूबसूरत हो, एक दिन खाक में मिल जाएगा, परंतु केवल खूबसूरत विचार ही है जो अमर रहेंगे। हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पे जीत हासिल कर सकते हैं। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं, ना तो उसका वर्तमान है और ना ही भविष्य। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। आज का पंचांग 23 जून 2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 1:17 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र शाम 4:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 23 जून 2023 दिन शुक्रवार, अपने प्रियजनों खासकर माता सम्मान स्त्री जैसे मौसी चाची बुआ मामी आदि की खोज खबर लेंगे। आज घर आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जरूरी घरेलू मामलों को सुलझाते हुए कुछ योजनाओं में विलंब या स्थगित होने की संभावना है। किसी मरम्मत या खरीद की भी आवश्यकता हो सकती है। अभी खुद के लिए जैसी शिक्षा, शारीरिक या भावनात्मक स्वास्थ्य या अधिक शिक्षा पाने और अपने कौशल को निखारने में निवेश करें। जोखिम भरे व्यवहार या जुए से बचे क्योंकि इससे धन हानि होगी जिसका आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बाहरी किसी ऐसी जगह समय बिताएं जो आपको आंतरिक शांति देगी। अच्छा आपकी एकाग्रता और विवेक आपका साथ देंगे। इस चरण में आपका दिमाग व्यक्तिगत मामलों, परिवार और प्रियजनों के चारों ओर घूम रहा है। इसी कारण आप आज अतीत या परिवार के मामलों के बारे में चर्चा करने में दिलचस्पी रखेंगे। मानसिक कार्य करने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता है। आराम करें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आप में से कुछ के लिए यह समय निजी जीवन में अजीब घटनाओं के कारण तनाव भरा या चिंताजनक हो सकता है। आप किसी भी गृह कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि कल के कामों पर आज ही थोड़ा विचार कर लिया जाए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस राशि वालों को आज सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में आज कर्क राशि के जातकों को माता से स्नेह सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ के लिए आज आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। सामाजिक कामों में भाग लेंगे, नए लोगों से जान पहचान भी हो सकती है। काम सुचारू रूप से चलेगा। अगर कोई सरकारी टेंडर टाल रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। पूर्व में किया गया निवेश भी आज आपको लाभ दिला सकता है। वाहन से संबंधित कार्य करने वाले जातक आज अच्छी कमाई कर सकते हैं। अपने विचार और ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। अभी तक आपके पास समस्या यह है कि आप कोशिश करने की बजाय केवल इच्छा करती हैं। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दुले दिमाग पर छाया रहेगा। योग्य सहकर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। ऑफिस से जल्दी घर जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुंचकर ही कर सकते हैं। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी पार्क में परिवार के लोगों के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के स्नेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। सावधानियां, आपको कुछ जरूरी मामलों में चुप्पी बनाए रखनी होगी, नहीं तो वह लीक हो सकती है।
आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। लेकिन आप एक बजट बनाकर चले तो आपके बेहतर लेकिन आप आज बजट बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी आय तो बढ़ेगी लेकिन कुछ जरूरी मामलों में ढील देने से आपको समस्या भी हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप बेहद संवेदनशील और भावुक महसूस कर रहे हैं। अभी आपका प्रेमी अच्छे दोस्तों और आपके परिवार के लोग भी आप पर अधिक ध्यान देंगे। अपने साथी से बात करें और अपने दिल की हर बात को उसे शेयर करें। उनसे दिल की बात कहने में जरा भी ना हिचकिचाइए। जैसे मुझे असुरक्षित महसूस होता है ऐसे में मुझे अपने चारों तरफ तुम्हारी बाहों की जरूरत है। याद रखें आप लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे लोग भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। गहराइयों में जाने की हिम्मत दिखाएं। फिर बात चाहे निजी विचार शेयर करने की हो या शारीरिक इच्छाओं की, यह समय उन लोगों का ख्याल रखने का भी है जो आपकी देखभाल करती हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने से मन की शांति प्राप्त होगी। आज रोमांस को नजरअंदाज ना करें। कुछ नए तरीके से अपने प्रेमी को लुभाएं। एक नया आउटफिट या हेयर कट इसमें आपकी मदद कर सकता है। आप किसी नए रिश्ते में बन सकते हैं। खुद का विश्लेषण करके अपनी इच्छाओं और कमजोरियों के बारे में जानें। आगे बढ़ने के लिए यह बेहतरीन साधन है। बात करते हैं करियर की। यह समय नए प्रोजेक्ट में उन्नति करने का है। वो प्रोजेक्ट जिससे आपको अपने बाहरी और भीतरी किन्हीं नई शक्तियों का और सीमाओं का पता चलेगा। नए कौशल प्राप्त करने और अपने मौजूदा कौशल को निखारना इस चरण में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ नए रूप और हेयर स्टाइल को भी अपनाएं। संपत्ति और नवीकरण से संबंधित मुद्दों में सोच समझ कर निर्णय लें। आपको चाहिए कि अपनी बढ़ती हुई एकाग्रता का लाभ उठाया जाए। आज आपको अपने विचारों और दुविधाओं को सुलझाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं को किसी मित्र सहकर्मी या बॉस से साझा करें। यदि आप अभी अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार और जीवन साथी के साथ बातचीत करें। व्यस्त रहेगी लेकिन सार्थकता के साथ। बात करते हैं सेहत की। आज आप किसी बात को लेकर बहुत भावुक हो सकते हैं। कुछ जातकों को आज शरीर के ऊपरी भाग में कष्ट हो सकता है। पैर में भी दर्द रह सकता है। ध्यान रखें। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं। घी का दीपक भी जलाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।